Hi guys, welcome back to YouTube channel. My name is Disha and I am Sana and we are the Tanga. So guys, आज हम आप लोगों की डिमांड पर लेके आए हैं अलिफ के. Actually किसी की डिमांड नहीं थी, हमारा खुद ही का मन था. Yes guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अलिफ के ट्रेलर पे. हाँ. क्यों करने वाले हैं दिशा? करने इसलिए वाले क्योंकि हमें अलिफ का OST बहुत ज्यादा 100 out of 100 लगा था, तो हमने सोचा इसके सीन्स पे मतलब ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं. एक्चुअली में स्टोरी क्या है, क्योंकि हमें स्टोरी बहुत ही इंट्रिगिंग लगी थी इसकी, मतलब. और कहानी एक लेटर बॉक्स से शुरू होती है जो एक बच्चा बनाता है. उसके जरिए वो अल्लाह से हर चीज मांगता है जिसकी उसको ख्वाहिश है. अब आपको लगता है कि मुझे सीधे रास्ते पे रहने के लिए किसी की रहनुमाई की जरूरत है? हमेशा अभी भटका हुआ नहीं हुआ दादा, तुम तो मोमिन हो, भटकता तो मोमिन ही है. अगर मैं तुम्हें अपनी रूह से निकाल दूं तो मैं मर जाऊंगा. आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमाल की पिकअप लाइन है. पैरों में तेरी जंजीरें हैं, हमको ना तुम मिल पाओगे, मेरे मुकद्दर से पूछो. और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की दास्तान एक शख्स की वजह से खत्म हो जाती. देखो मोमिना, आज तुम टीवी कर रही हो, कल तुम फिल्म करोगी. मर्द कैसे देखता है स्क्रीन पे आने वाली एक्ट्रेसेस को, ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो. मैं तो एक नाचने वाली हूँ ना, नाचने वाली औरत कभी अच्छी मैं बन ही नहीं सकती. मैं इस घर को आग लगा दूंगा अगर हुस्ते जहां को यहां से कोई लेने आया तो. तुम्हारी बाहर जिंदगी में अकम्पलिशमेंट और शनाख्त ये है कि तुम मोमिन के साथ रहती थी और उसके लिए काम करती थी. That's it. बड़ा गरूर है ना तुम्हें अपने आप पर. मैं तुम्हारे जवाल का इंतजार करूंगी. तुम्हारा जज्बा हड़प कर गया मेरी रूह को, तुम्हारा हुस्न मेरी बीनाई ले गया, तुम्हारा साथ मेरा हुनर ले गया. मैंने तो गुनाह किया, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे वसीले से पानी चाहे. शर्क किया, तुम्हारे लिए मिट्टी हुई तो मिट्टी हुई, उसके लिए होती तो वो मेरा होता. ताहा और हुस्ने जहाँ की कहानी में दोबारा नहीं दोहराना चाहती. मैं और तुम किसी और जगह मिलेंगे. देखिए अलिफ 5 अक्टूबर से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर. वाओ, कितना अच्छा ट्रेलर था. मैं तो पूरे ट्रेलर में एक पल मेरी नजर इधर से उधर नहीं हुई. मेरे को तो और कंफ्यूजन हो गई टू बी ऑनेस्ट, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. कन्फ्यूजन हो गई मेरे को भी, हुई थोड़ी सी. समझ नहीं आया कि एक्चुअली में क्या कौन क्या होगा. दो लड़के हैं बट सच को पहले उस एडवा वाले हीरो के साथ दिखाया था ना, फिर वो दूसरे वाला आ गया तो मेरे को बड़ी कन्फ्यूजन हो गई. मेरे को भी हो गई, बट मेरे को लग रहा है इन्होंने जान के ऐसा ट्रेलर रखा है ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए कि सीरियल वो देखे. लग रहा है कि एग्जैक्ट है क्या, मतलब थोड़ी हो रही है मन में क्यूरियोसिटी की, मतलब एक्चुअली में क्या होगा. तो मेरे को लग रहा है यही रीजन होगा, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग रखा है. और जो लास्ट में गाना बजा था वो कितना अच्छा. हाँ, और वैसे दैट इज गुड ट्रेलर तो यही होता है ना, जो व्यूअर्स के मन में ये पैदा करे कि एक्चुअली में होगा क्या. हां एग्जैक्टली, दैट वाज अ गुड ट्रेलर. मेरे को स्टोरी थोड़ी नहीं समझ आई बिल्कुल भी. मेरे को भी नहीं आई. वही एक मन में कैसे होगा कि क्या है देखें. टू बी ऑनेस्ट, जब हमने इसके OST पे रिएक्ट करा था ना, तब लोगों ने बोला कि देखो बहुत अच्छा है बहुत. हाँ. तब भी मन कर गया था देखेंगे, बट मेरे को लगा पहले ट्रेलर वगैरह पे रिएक्ट करते. पर जब मैंने OST पे रिएक्ट करा तो मेरे को लगा था कि 10% ये थोड़ा स्पिरिचुअल सा है. हाँ, लग रहा था. पर ऐसा नहीं है. अभी मैंने ट्रेलर देखा तो ऐसा मेरे को लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है कि वो डांस करना चाहती है सजल अली. हाँ, होती है वो डांस नहीं. और मेरे को लग रहा है वो जो लड़का था ना, वो जो चिट्ठियां लिखता था, शायद वो जो बड़ा हो गया बाद में, बट उसमें भी कोई, वो भी शायद कोई कुछ करता था, उसमें भी कुछ हुनर था, क्योंकि वो बोल रहा था उस लड़की को कि तुम्हारे साथ मेरा हुनर भी चला गया.
मतलब काफी ज्यादा इंट्रीगिंग लग रहा है गाइस, बट समझ नहीं आ रहा, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया. सो इट वाज अ गुड ट्रेलर ओवरऑल. इसमें गाने वाने भी थे तो अच्छा था. मतलब ओएसटी से मुझे बहुत डिफरेंट लगा ये. ओएसटी से वो था ही डिफरेंट, क्योंकि बिल्कुल ओएसटी में थोड़ी अलग स्टोरी दिखाई हुई थी और इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग स्टोरी दिखाई हुई थी. सही में किसी ने कमेंट करा डायलॉग्स ऑफ एवरी कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग थे. एक एक लाइन, एक एक लाइन जो मेन लीड एक्टर था उसकी कितनी अच्छी लाइंस थी. अभी किसी ने लिखा कि नॉवल के ऊपर बेस्ड है. वाओ. उमरा अहमद नेम इज इनफ. उमेरा अहमद. ओके वी डिडंट नो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी भी चीजों पर रिएक्ट करा ना ये सबसे डिफरेंट है ना. बिल्कुल ही अलग अलग वाइब भी अलग आ रही है, मतलब ना बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट था. इतने सारे लोगों ने कमेंट करा है कि बहुत अच्छा है, सच अमेजिंग ड्रामा, जस्ट कैन वेट टू दनी क्या लिखा है फॉर इट टू बी अपलोडेड. अच्छा यूट्यूब पे आता होगा ना. हाँ सो गाइस तो हमें तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर. पता नहीं ये ड्रामा कैसे, बट लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान. तो हम जरूर देखेंगे इसे सून इनफ. सही में इतने सारे लोगों ने लिखा भी होता है कि मास्टरपीस और मतलब कि बहुत अच्छा है ड्रामा, गिविंग मी गूज़बम्प्स. तो मतलब मेरे को लग रहा है कि अच्छा होगा, काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा. द लुक्स आर एपिक. सही में. और सजल अली तो ऑब्वियसली तो फिर तो 100 out of 100 हो ही जाता है सजल अली की वजह से. तो दैट वाज आवर रिएक्शन. Thank you for watching and have a nice day. Bye.